लिए पहले इसको रख देते हैं स्टूडियो रूम में। स्टूडियो रूम की हालत अभी बहुत गंदी हो गई है। इसके साथ भी कोई भी नाश्ता के बाद में मैंने नहीं किया। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये हरी केले को नहीं वॉश किया। केले को कभी वॉश नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोग करते हो तो बताएगा। ये ढोकले का बैटर रेडी है और यहाँ पे मैंने ये ढोकले की प्लेट में ऑयल स्प्रेड करके रेडी कर लिया है। अब हम ये ढोकला जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आज जल्दी सांभर ले लिया है। घर का सारा काम भी हो गया है, सब लोग अपने काम के लिए निकल भी गए हैं और मैं अपने लिए किचन में नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। देखते हैं, अभी मैं सोच रही हूँ ढोकला बना दूँ, क्योंकि ढोकला का ना बैटर भी पड़ा है। कल हम लोगों ने ढोकला बनाया था रात को, सो ढोकला का बैटर भी पड़ा है। सो मैं अपने लिए बना रही हूँ ढोकला, और ढोकला खाने के बाद आज शायद मैं शूट करूँगी, तो आप लोगों के साथ भी आज का दिन शेयर करने वाली हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मज़ेदार होने वाला है और आई होप कि आप लोग भी एंजॉय करोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैम छू। मैं अपेक्षा, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रूट को वॉश कर लिए। केले को नहीं वॉश किया, केले को कभी वॉश नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोग करते हो तो बताएगा। ये दोनों शक्कर टेटी हैं, मार्शमेलन या फिर आप जो बोलो। तो अभी ये दोनों को मैंने अलग रखे, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ये दोनों को मुझे ना आज रात को कट करना है, क्योंकि हम लोग रात को खाएंगे। ये दोनों को मैं यहाँ पे स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि मैंने वॉश करके रखा है। अभी ये दोनों को हम लेके जाते हैं फ्रिज में रखने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म चकाचक हो गया है, पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है। बस सारा काम हो गया, डस्टिंग वगैरह घर का सारा काम हो गया है। अभी हम करेंगे अपना काम। इससे पहले इसको अब हम अपनी सही जगह पे रख देते हैं, ताकि ना मुझे दिक्कत ना हो। और गैस को भी मैंने अभी पूरा क्लीन किया, बहुत गंदा हो गया था। मैं हफ्ते में ना गैस की डीपली क्लीन करती हूँ, हफ्ते में दो बार मैं इसको अच्छे से वॉश करके रगड़ के साफ़ करती हूँ। चलिए अभी इसका स्टैंड वगैरह लाते हैं और अपने लिए ढोकला बनाते हैं, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा हमारा ढोकले का बैटर रेडी है, और यहाँ पे मैंने ये ढोकले की प्लेट में ऑयल स्प्रेड करके रेडी कर लिया है। अब हम ये ढोकला जाएगा ये प्लेट में, और यहाँ पे ये भी रेडी है। ये पानी हीट हो रहा है, इसको गर्म होने देते हैं, तब तक हम अपनी ये प्रोसेस कर लेते हैं। ये ढोकले के बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे। चलिए फिर, चलिए अब ये सीधा जाएगा ढोकले के कुकर में, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम होने देंगे। फिर हमारा ढोकला बन के रेडी है, फिर हम बाद में इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। चलिए तब तक हम अपनी चिप्स को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरदार वाली भूख लगी है। सुबह अदरक वाली चाय पी थी, इसके साथ कोई भी नाश्ता फिर बाद में मैंने नहीं किया था। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये हरी चटनी है, पीनट वाली हरी चटनी, साथ में टोमेटो केचप और ये चिप्स। इस तरह से मुझे खाना बहुत पसंद है, आप भी ट्राई कीजिएगा कभी, चिप्स के साथ हरी चटनी और टोमेटो केचप। अगर ये हरी चटनी ना भी होना तो मैं चिप्स को ना टोमेटो केचप के साथ खाना पसंद करती हूँ। ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और ये रही मैं, हम चलते हैं अपने बेडरूम में, क्योंकि एंजॉय करते हैं अपनी चिप्स। फैन को ऑफ करते हैं, वरना आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। गाइस, इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है चिप्स के साथ ना हरी चटनी और टोमेटो केचप। मेरा ढोकला होता है तब तक हम इसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लगी थी कब से। चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप लोगों को मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।
अभी फिलहाल मैं ही हूँ घर पे, सब लोग निकल गए अपने अपने काम के लिए। पापा मम्मी और भाई भी वहाँ पे अपने नए घर पे हैं, और डेनिस भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और सुबह की सब डस्टिंग वगैरह हो गया है, पूरा घर क्लीन हो गया है। मैं आप लोगों को बहुत लेट मिल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया आजकल ना गाइस। मैं ना अपने व्लॉग में बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगी हूँ, मुझे ये वाली अपनी हैबिट छोड़नी पड़ेगी। बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ मैं, वीडियो में भी अगर कुछ बोलना हो ना, पता नहीं कहाँ पे मैसेज आ गया। चलिए मैं ये इसे एंजॉय करती हूँ, मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर। वाओ सो यम, ढोकला हमारा रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। अभी चेक करना है हमें, तो इस तरह से गाइस आप चेक कर सकते हो अगर बिगनर्स हो। ये जो हमारा चाकू है ना वो क्लीन आए ना, तो समझ जाइए कि आपका ढोकला हो गया है। तो ये छोटी सी टिप्स दे दी मैंने आपको, हमारा ढोकला रेडी हो गया। गैस बंद करते हैं और निकालते हैं। गाइस मैं ना अभी तड़का नहीं लगाने वाली हूँ, ऐसे ही खाने वाली हूँ। अगर आप चाहो ना तो इसके ऊपर तड़का लगा सकते हैं, और साथ में कोथमीर डाल के आप सर्व कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों ने देखा ना मेरा ढोकला बन के रेडी है। मैं कोई भी तड़का वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ, ऐसे ही खाऊंगी हरी चटनी और केचप के साथ। आप चाहो तो तड़का लगा के, हरी कोथमीर लगा के सर्व कर सकते हैं। अभी समर स्टार्ट हो गया ना गाइस, तो इतना हैवी ऑयली ऑयली खाना मन नहीं करता बिल्कुल भी। सिंपल सा ही मैं बिना कम ऑयल में ही खाना पसंद करती हूँ गर्मियों में, और ऊपर से आई है वो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। तो समर में तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है, समर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वैसे अभी बहुत कम हो गए टच वुड के, अभी मुझे इतने एक्ने और पिंपल नहीं होते, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। मेरी स्किन की ना पूरी बात लग गई थी, फिर मैंने पूरा अपना रूटीन है ना वो चेंज कर लिया है। और समर में तो मैं बिना मतलब कि जितना हो सके इतना कम ऑयल में ही खाना पसंद करती हूँ। अभी इसको सर्व करते हैं। दिस इज अ पीआर केयर बॉक्स, एक मेरा है, एक फ्लिपकार्ट वाला जो मैंने मंगवाया था, और दूसरा पीआर है। देखते हैं, चलिए पहले इसको रख देते हैं स्टूडियो रूम में। स्टूडियो रूम की हालत अभी बहुत गंदी हो गई है। स्टूडियो रूम ना गाइस मैं इसलिए सही नहीं कर पा रही क्योंकि अभी सब लोग आए ना, पापा मम्मी और, तो यहाँ पे सोते हैं वो लोग, और इस वजह से ना अभी रूम ना थोड़ा बहुत मैसी है। तो अभी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिलहाल, कपड़े भी आप देख सकते हैं। और मेरा ये मेकअप वैनिटी है, इसके लिए भी मैंने डेकोर आइटम वगैरह मंगवाई है। सो वो सब आएगा ना फिर ही मैं अपना स्टूडियो रूम जो है ना वो सही कर पाऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है, इसमें ही मैनेज करना पड़ेगा। ये करने का कोई मतलब है नहीं, पापा और भाई सब लोग यहीं पर रात को सोते हैं। और मुझे ना जिस तरह का लुक चाहिए ना स्टूडियो रूम का, तो इसके लिए मैंने अभी बहुत सारा सामान मंगवाया है। और बट अभी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, पापा और मम्मी सब लोग सेट हो जाएंगे ना, वो लोग अपने घर चले जाएंगे, फिर मैं देखती हूँ फिर अपने स्टूडियो रूम को हम सही करेंगे। अभी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गंदी वाली गर्मी चालू हो गई है। चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ एडिटिंग का, और आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। अगर कुछ दिखाने के लायक होगा तो आ जाएगी, और फैन चल रहा है ना इसलिए। ये पागल कौन है पता नहीं, कितने जोर जोर से म्यूज़िक लगा रहा है। लंच या फिर स्नैक मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 4 बज चुके हैं और 4 बजे मैं अपना लंच करने के लिए बैठी हूँ। रोटी सब्जी और दाल चावल है, तो फिर बहुत लेट हो गया आज, आज काम कुछ ज़्यादा ही था इसलिए। बैकग्राउंड में इतना ज़ोर से म्यूज़िक आ रहा है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है।
पता नहीं कौन है इतनी जोर जोर से म्यूजिक लगा रहा है। चलिए कॉपीराइट आ जाएगा, मैं आप लोगों को मिलती हूँ बाद में। आई होप कि आप लोगों को ये छोटू सा मेरा मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत जाएगा गाइस। आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग वाली रूटीन शेयर की है, बट मेरी मॉर्निंग वाली रूटीन ना गाइस सेम नहीं होती, और ये वीडियो को एंड मैं आप लोगों को रात को मिल रही हूँ, इवनिंग का टाइम है, शाम को मैं ये वीडियो का एंड कर रही हूँ। और मैं क्या बता रही थी, हाँ, ये वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग वाली जो रूटीन है ना वो शेयर करने की कोशिश की है, बट अभी फ़िलहाल की बात करूँ ना तो मेरी मॉर्निंग रूटीन सेम नहीं है, डेली मेरी अलग ही होती है मेरी रूटीन, क्योंकि अभी मम्मी पापा सब लोग यहाँ पे ही है ना, तो मेरी कोई भी रूटीन अभी फिक्स नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, बाय।